ब्रेगेंजा घाट्स, दूधसागर फॉल्स, वो तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ कर्नाटका के कैस्टल रॉक में, जहां से शुरुआत होती है इंडियन रेलवे के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल घाट सेक्शन, या फिर कह लो रेल रूट की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैस्टल रॉक और कुलेम के बीच में पड़ने वाले ब्रेगेंजा घाट्स की। भारतीय रेल के वन ऑफ द स्टीपेस्ट घाट सेक्शन में से एक इस घाट सेक्शन की खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं है। इस रूट को वेस्टर्न घाट्स के चट्टानों को काट कर बनाया गया है और ये गुजरता है बहुत सारे ब्रिजेस, टनल्स, वाटरफॉल से होते हुए, जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। और हाँ, इंडियन रेलवे का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक दूधसागर वाटरफॉल भी इसी रूट पे पड़ता है, जो आज हमें अपनी इस यात्रा में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस थ्रिलिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। अभी भारत में मानसून आ चुका है और मानसून में ना जो सबसे फेमस और सबसे नोटोरियस फॉर्म ऑफ मानसून है वो है साउथ वेस्ट मानसून। और अभी हम इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में, जहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून अपने चरम सीमा पे है, और जो स्टेशन है वो है कैसल रॉक। और जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं कैसल रॉक से लेकर कुलेम तक की हमारे ब्रेगेंजा घाट की ट्रेन जर्नी, जो कि होने वाली है बहुत ही खास, बहुत ही मज़ेदार। और भाई, खूबसूरती तो मैं मतलब 100% बोल सकता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त हमको देखने को मिलने वाली है इस रूट पे। तो चलते अपनी ट्रेन के अंदर। मेरा कोच कौन सा है, मैं खुद ही भूल गया। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये है सैंड फिलिंग करेंगे। जब ट्रैक्शन नहीं मिलता है लोकोमोटिव को, तो ऐसे सैंड पोर किया जाता है ट्रैक्स पे, जिससे कि ट्रैक्शन बना रहे। तो देखो, वो लेके जा रहे हैं। और लोकोमोटिव के व्हील के पास होते हैं सैंड बॉक्स, तो सैंड बॉक्स में इन सैंड को डाला जाता है, जिससे वो ऊपर वो डालेंगे अभी शायद वहाँ पे। तो ये आ गए हमारी ट्रेन के ब्रेकर्स। अभी क्योंकि हमारा घाट डिसेंट है, तो ये ट्रेन के फ्रंट में अटैच किए जाते हैं। अगर घाट असेंट होता है तो ये ट्रेन के बैक में अटैच किए जाते हैं, जो कि पीछे से इसको पूरा। यस, मेरे सीट पे बच्चे बैठ गए भाई तो बच्चों को हटाना पड़ेगा। नहीं हटाएंगे, नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। हमारी ट्रेन पूरी तरीके से तैयार है। ये हमारी ट्रेन का लोको है, आगे दो ब्रेकर लोको अटैच कर दिए जा चुके हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:41, और अब से कुछ ही देर में हम शुरुआत करेंगे ब्रेगेंजा घाट की ये खूबसूरत जर्नी। ऑल्सो यहाँ पे स्टेशन पर बहुत सारे RPF स्टाफ और ये अपने फॉरेस्ट रेंजर्स भी हैं। दूधसागर फॉल पे जो है वहाँ पे ट्रैकिंग करना अलाउड नहीं है, बट बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी शायद ट्रैक करके जा रहे हैं, क्योंकि अभी 2 वीक पहले ही बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे पहुँची हुई थी। तो अभी पूरा प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स निकाले गए हैं और किसी को भी जाना अलाउड नहीं। अगर कोई जाकर दूधसागर फॉल्स पे उतर भी जाता है तो उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया जाएगा, FIR होगी, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये लोग आपको हर जगह मिलेंगे, और शायद हमारे ट्रेन का सिग्नल भी हो गया, तो अब से हम कुछ ही देर में चलने को रेडी हैं यहाँ से। और यहाँ पे कैसल रॉक पे हमारी क्रॉसिंग तो नहीं बोल सकते, अभी हमारा डिपार्चर नहीं हुआ, बट यहाँ पे एंटर कर रही है वास्को शालीमार अमरावती एक्सप्रेस। वैसे ये लिंक एक्सप्रेस है, इसका एक पार्ट काचीगुड़ा भी जाता है यहाँ से। कहीं ना कहीं इस पे लिखा होगा शालीमार वास्को द गामा, और शायद पीछे के कुछ कोचेस जो हैं वो होंगे वास्को द गामा काचीगुड़ा के। तो अभी ये ट्रेन आ गई है, और आगे की लाइन जो है सिंगल लाइन है, और घाट सेक्शन है वो क्लियर है, तो हमारी ट्रेन अब यहाँ से डिपार्ट करेगी। अभी देखो यहाँ पे ये जो यहाँ तक कोचेस हैं, ये है वास्को द गामा शालीमार अमरावती के, और ये पीछे देखो अभी काचीगुड़ा वास्को द गामा के कोचेस हैं।
तो आई गेस ये गुंतकल पे जाके इन दोनों को अलग कर लिया जाता है, ये एक लिंक एक्सप्रेस है तो दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तो काचीगुड़ा वाले में केवल टोटल एक स्लीपर कोच है और दो एसी एंड एक जनरल, दैट्स इट। और फाइनली सुबह के 9:53 पे हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है कैसल रॉक को। जब हमारी ट्रेन यहाँ पे आई थी तो पूरा क्लाउडी क्लाउडी था, अभी देखो हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है, पूरा क्लियर मौसम है, बारिश हल्की हल्की हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। और यार ये बार बार कैमरा पे पानी आएगा जैसे ही। और ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं टनल नंबर 2, और ये इस रूट की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टनल है। देख सकते हो जो डिज़ाइन है ना, वो बहुत ही प्यारा है इस टनल का। और भाई बारिश में मतलब क्या बताऊँ, मज़े ही आ गए देख के ऐसे टनल को। वाओ क्या लग रहा है यार। और इधर देखो टनल नंबर 2 से निकल कर टनल नंबर 3 में। यार यहाँ पे सामने ना दिख तो नहीं रहा, यहाँ पे पेड़ भी अभी, लेकिन क्लियरली दिखती है पूरी वैली है, पूरे पहाड़ है। बट अभी देखो पूरा बादलों के बीच में ट्रेन चल रही है और बारिश भी हो रही है साथ साथ, और इतने घने बादल है कि मतलब कुछ भी और दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि फॉग ही फॉग है पूरा बस। और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है फ्रेट ट्रेन के साथ बाउंड टू कैसल रॉक। ट्रेन ऊपर से नीचे जाती है डाउन द घाट्स, तो हर स्टेशन पर रुक के उसकी ब्रेक टेस्टिंग होती है। तो अभी हम इस स्टेशन पर रुके हुए हैं और ये देखो तो ब्रेक अभी क्रॉस हो रही थी। ये वाला दूर सागर, अरे हेल्ला एरिया नहीं है, कितनी खड़ा है भाई तू, अब कितनी खड़ा है।
ये देखो झरना आया, देखो पानी में पानी, दूध सागर, दूध सागर नहीं है लेकिन है। पानी के जाने भाई यार क्या बारिश हो रही है। अभी हम दूध सागर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, भयंकर बारिश। दूधसागर रेलवे स्टेशन, दूधसागर रेलवे स्टेशन बस 1 किलोमीटर और आगे बस। भाई बारिश का समय कुछ ऐसा है कि अब लग रहा है छाता निकाल के रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो यार अभी हम लोग दूधसागर स्टेशन पहुँचे हैं, अब फॉल्स जो है यहाँ से बस 1 किलोमीटर आ गया, बट बारिश भाई क्या बारिश हो रही है, बिल्कुल झमाझम बारिश भाई साहब। मतलब अभी यहाँ पे ऐसा हाल है तो फॉल्स पे तो आज पूछो ही मत क्या हाल होने वाला है, भयानक। छोड़ना नहीं अंकल, सबको चढ़ा दो ऊपर, छोड़ना नहीं किसी को, जल्दी वहां से हटो। हाँ ठीक है, थैंक यू। बाप रे बाप क्या बारिश हो रहा है। आ गया, बहुत तेज फॉल्स पे होगा। ओए रोक दिया। अरे बाप रे, गाड़ी रोक दिया, लेकिन अभी थोड़ा हम रोक दिया। अभी थोड़ा हम नहीं नहीं यहीं पे सामने दिख नहीं रहा, बस दिख रहा है।
बापरे बाप क्या ब्रेगेंजा घाट्स दूधसागर फॉल्स वो सामने 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 तो देखो 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 देखना नदी नहीं पूरा अखंड नदी अब गया आप नहीं दिखेगा तो अभी हमारी ट्रेन डिपार्ट करी है सोनालियम से और सोनालियम का अगला स्टेशन है वो कुलेम है और घाट से हम लोग ऑलमोस्ट नीचे आ चुके हैं देख रहे हो पहाड़ों ऊपर हैं दूधसागर जो फॉल है वो पीछे छूट चुका है अब हम लोग धीरे धीरे आगे जाके आपको ही फॉल्स नहीं है क्या आएगा अब कुछ नहीं आएगा जो आएगा इस साइड थोड़ा बहुत दिखेगा छोटे छोटे जिकडे गेलं का गाडी पक्की गेलं
फिर अपनी जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। हमारी ट्रेन अभी पहुंच गई है फ्लेम, और शायद कैमरा के लेंस में वेपराइजेशन हो रहा है, पता नहीं कैसा दिख रहा है। इसमें तो साफ दिख रहा है, बट यहाँ पे पूरा वेपर वेपर हो गया। बट आउट बहुत ही मज़ा आया, मतलब क्या जो हमारे बारिश हो रही थी ना पूरे रास्ते, मस्त ज़बरदस्त एकदम फील ही आ गई। एकदम पहली बार ऐसा हुआ जब मैं किसी घाट सेक्शन में ऐसे भयंकर मानसून में ट्रैवल कर रहा हूँ। और कुलेम से ये ट्रेन आगे जाएगी एर्नाकुलम, ये ट्रेन है एक्चुअल में पुणे एर्नाकुलम, बट ट्रेन जर्नी थी नहीं, मुझे मेन घाट कवर करना था, इसलिए मैंने घाट के बारे में ही दिखाया जो भी दिखाया। अब ये ट्रेन आगे यहाँ से जो ये इसके ब्रेकर्स हैं वो ब्रेकर्स रिटैच किए जाएंगे, और फिर ये ट्रेन आगे प्रोसीड करेगी इधर से मडगांव, फिर मडगांव से एर्नाकुलम की तरफ। अब यार मुझे बताना ज़रूर कि तुम्हें ये जर्नी कैसी लगी, और अभी तो मैं पूरा भीग चुका हूँ ऊपर से नीचे तक। बताना ज़रूर कमेंट करके ये जर्नी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन कीप रेल फैनिंग।